आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। ऐसा आपके साथ भी होता होगा ना कि काम का बोझ कई दफा इतना ज्यादा होता है कि एक नौकरी भी कभी कभी निभाना मुश्किल हो जाता है। मगर इस बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक वक्त पर दो दो फुल टाइम जॉब्स करते हैं। इतना ही नहीं, सबसे रोचक और हैरान बात करने वाली ये है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो एक समय पर 5-6 नौकरियां करते हैं। जाहिर सी बात है, कोई शौक से अपने ऊपर ऐसा प्रेशर नहीं लेता होगा, बल्कि ज्यादा पैसा कमाने के मकसद से ही करते होंगे। और जब कोई 9-5 की फुल टाइम जॉब के बाद किसी दूसरी जगह नौकरी करता है तो उसे मून लाइटिंग कहते हैं। और देश में इस वक्त इस ट्रेंड को लेकर काफी चर्चा गर्म है, खासकर आईटी सेक्टर में। साथ ही अब ये बहस भी छिड़ी हुई है कि क्या मून लाइटिंग गिग इकोनॉमी का भविष्य है। आज ज्ञान ध्यान में हम आपको यही बताएंगे कि ये मून लाइटिंग आखिर में होती क्या है, फ्रीलांसिंग से कैसे अलग है, इसे लेकर भारत में कानून क्या कहता है और कंपनियों को इससे क्या दिक्कतें हैं। नमस्कार, मैं हूँ खुशबू और आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। मूनलाइटिंग की चर्चा की शुरुआत विप्रो के चेयरमैन ऋषित प्रेम जी के एक ट्वीट के साथ शुरू हुई थी, जिसमें उन्होंने मूनलाइटिंग को कंपनी के साथ धोखा करार दिया था। इसी कड़ी में लाखों कर्मचारियों वाली जानी मानी टेक कंपनी आईबीएम का नाम भी जुड़ गया। आईबीएम ने भी मूनलाइटिंग को अनैतिक करार दिया है। कंपनी ने कर्मचारियों को ईमेल में कहा कि नियमों के मुताबिक मूनलाइटिंग की अनुमति किसी को नहीं होगी और जो भी इसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। विप्रो कंपनी ने एक ही वक्त में कई कंपनियों के लिए काम करने के आरोप में बाद में अपने 300 कर्मचारियों को नौकरी से भी निकाल दिया है, जिसके बाद इस चर्चा ने और जोर पकड़ लिया है। हालांकि मूनलाइटिंग को लेकर ऐसा नहीं है कि आईटी सेक्टर में सब इसके खिलाफ भी है, कुछ अलग तरह की राय भी देखने को मिली है। कुछ लोग इसे अनैतिक बताते हैं तो कुछ इसे समय की मांग मानते हैं। आपने फ्रीलांसिंग का नाम भी सुना ही होगा, लेकिन मूनलाइटिंग से ये कैसे अलग है, बिजनेस एक्सपर्ट और इकोनॉमिस्ट शरद कोहली को सुनिए। फुल टाइम किसी कंपनी के पास, किसी एम्प्लॉयर के पास नौकरी करते हैं। मून लाइटिंग शब्द सन लाइटिंग से निकला है, मतलब यह है कि आप दिन के टाइम या ज्यादातर समय में एक एम्प्लॉयर के पास काम करते हैं और जब शाम हो जाती है, जब रात हो जाती है, तो आप किसी और कंपनी के लिए भी काम करके कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, उसको मून लाइटिंग कहते हैं। और मून लाइटिंग का अर्थ, क्योंकि ये रात को किया जाता है, शाम को किया जाता है, ये आफ्टर वर्किंग आवर्स किया जाता है, तो इसलिए इसको बहुत अच्छी नजर से एम्प्लॉयर्स इसको नहीं देखते हैं। फ्रीलांसिंग होता है जब आप किसी के पास फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं है, मतलब आप किसी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत नहीं काम कर रहे, आप एक कंसल्टेंट हैं, आप एक तरह से अपना बिजनेस या अपना प्रोफेशन चला रहे हैं और आप कई अपने क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं। आपके क्लाइंट को एम्प्लॉयर नहीं कहा जाता, आप एम्प्लॉयर नहीं है, आप बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं, कस्टमर्स के लिए काम कर रहे हैं, उसको फ्रीलांसिंग कहा जाता है। जबकि मूनलाइटिंग किसी एम्प्लॉयर के पास रहते हुए किसी दूसरे एम्प्लॉयर का काम करना, किसी दूसरी कंपनी के लिए काम करना, शाम के टाइम ऑफिस का समय खत्म हो जाने के बाद, उसको मून लाइटिंग कहा जाता है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की लाइब्रेरी में मौजूद टेक्नोलॉजी एंड द अमेरिकन इकोनॉमी की रिपोर्ट को देखें तो अमेरिका में 1964 में 37 लाख लोग एक साथ दो नौकरियां करते थे। ये आंकड़ा उस वक्त अमेरिका के कुल वर्कफोर्स का 5.2% था। इनमें से 10 लाख लोगों की पहली नौकरी कृषि सेक्टर से संबंधित थी। इसके अलावा ज्यादातर लोगों की पहली या दूसरी नौकरी स्वरोजगार था। इसके बाद 80 के दशक में भी ये चलन जारी रहा। 1980 में एक साथ नई नौकरियां करने वालों की संख्या करीब 5% थी और ये आंकड़ा 1989 में बढ़कर 6.2% और नवंबर 1996 में ऐसे कर्मचारियों की संख्या 6.6% पर पहुंच गई। इसके बाद इसमें कुछ कमी आई और फेडरल ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में जुलाई 2014 तक 67 लाख लोग एक से ज्यादा नौकरियां करते थे, जो कुल वर्कफोर्स के 4.6% के बराबर था। तो भले ही भारत में ये नया हो, लेकिन हकीकत में ये दशकों पुरानी पॉलिसी है और 60 के दशक में इसे अमेरिका में लागू किया गया था। तो भारत में फिलहाल इसे लेकर क्या कानून है, क्या मूनलाइटिंग की इजाजत देना सही है, शरद कोहली को सुनिए। देखिए, जहां तक लेबर लॉज की बात है, ऐसा कहीं पर भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप मूनलाइटिंग नहीं कर सकते, परंतु
अब ये परंतु बहुत जरूरी है कि जब भी आप कहीं नौकरी करते हैं, किसी भी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे आप साइन करते हैं, जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं, तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो आपके अपॉइंटमेंट लेटर होता है, ऑफर लेटर होता है, जो भी नाम उसको दिया जाता है, वहां पर ज्यादातर अपॉइंटमेंट ऑफर लेटर्स में लिखा जाता है कि आप केवल और केवल हमारे लिए काम करेंगे। कुछ कंपनीज में तो ये लिखा जाता है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स के लिए काम नहीं करेंगे, कुछ में ये भी लिखा जाता है कि आप कोई दूसरा काम ही नहीं करेंगे। और अगर आप इसका जो बेहतरीन एग्जाम्पल, आपको जो सरकारी नौकरियां होती हैं, अगर आप वहां पर ऑफर लेटर अपॉइंटमेंट लेटर देखें, तो वहां तो यहां तक लिखा होता है अगर आप किसी दूसरे एम्प्लॉयमेंट में या दूसरा कोई काम काज करते पकड़े गए, तो उससे जितनी भी आपकी कमाई हुई है वो आपको सरकार को सरेंडर करनी पड़ेगी। ये तो हुई सरकारी की बात। जहां तक बात प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट की है, तो कंपनीज ये नहीं चाहती, ज्यादातर कंपनीज, कि आप उनके एम्प्लॉय रहते हुए किसी और कंपनी, किसी और एम्प्लॉयर या कोई और बिजनेस साथ में चलाएं। एक नौकरी के साथ दूसरी नौकरी करना लोगों को क्यों रास आता है, इस पर एक दिलचस्प जानकारी सितंबर 2021 में आए MTV के सर्वे में सामने आई थी। इसके मुताबिक 70% लोग तो लोकप्रियता हासिल करने के लिए एक के साथ दो नौकरी करते हैं, 69% लोग अपने शौक को कमाई या जरिया बनाने के लिए दूसरी नौकरी करते हैं। वहीं अगर resumebuilder.com के सर्वे की माने तो ज्यादा खर्च के लिए, ज्यादा कमाई करने के लिए 48% लोग दूसरी नौकरी करते हैं। इसके अलावा इस पॉलिसी को अपनाने के कई बड़े कारण सामने आए हैं। हाल ही में फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने इंडस्ट्री में सबसे पहले मून लाइटिंग पॉलिसी की घोषणा की है। कंपनी ने कई शर्तों के साथ अपने कर्मचारियों को कामकाजी घंटों के बाद दूसरे प्रोजेक्ट्स पर काम करने की अनुमति दी है। लेकिन क्यों कुछ कंपनियां जैसे विप्रो को मून लाइटिंग से दिक्कत है, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, कंपनियां क्यों नहीं चाहती कि उनके एम्प्लॉयर किसी और कंपनी में नौकरी करे, शरद कोहली बता रहे हैं। क्योंकि कंपनीज मानती हैं कि जब आप सारा दिन थक कर आप काम कर रहे हैं एक एम्प्लॉयर का, उसके बाद आपके पास शाम को भी काम करने को मिलता है, तो आपकी अगले दिन की प्रोडक्टिविटी या अपने मेन एम्प्लॉयर की प्रोडक्टिविटी सीधा सीधा प्रभावित होती है, आपकी एफिशिएंसी प्रभावित होती है, आपके काम करने के आवर्स भी कई बार प्रभावित होते हैं। देखा गया कि एम्प्लॉय जल्दी से काम खत्म करके और दूसरे कंपनी का काम लेते हैं, और ये कहां से उपजा, ये कोविड के दौरान जब वर्क फ्रॉम होम पर एम्प्लॉयज थे तो वो सारा दिन काम करते थे। देखिए, वर्क फ्रॉम होम में आने जाने में कंपनी में जो समय व्यतीत होता है वो नहीं होता, जो आने जाने की थकावट होती है ऑफिस से आना जाना, सबको आधा पौना एक डेढ़ घंटा लगता है, वो भी नहीं लगता था। कुछ एम्प्लॉयर्स ने इसको स्वीकार किया है कि ठीक है, अगर आपकी एक्स्ट्रा इनकम है, आप हमें बता दीजिए कि आप दूसरे के लिए काम कर रहे हैं और आप करते रहिए। पर ज्यादातर एम्प्लॉयर्स, मुझे ऐसी उम्मीद है कि इसमें एतराज जताएंगे, इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका फुल टाइम एम्प्लॉय किसी और के लिए काम करे। इसके पीछे प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी मैंने कारण बताया। दूसरा कारण इसके पीछे ये है कि ये कंपनी के जो सीक्रेसी नॉर्म्स होते हैं, जिसको नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट कहा जाता है, कि आप कंपनी की जानकारी किसी दूसरे को नहीं देंगे और वो एम्प्लॉय किसी दूसरे के लिए काम ना करे, क्योंकि उस जानकारी का प्रयोग, खासकर अगर कॉम्पिटिटर्स के लिए काम किया जा रहा है, तो उस जानकारी का प्रयोग, वो एक्सपीरियंस, वो डेटा, वो नंबर्स, वो फैक्ट्स दूसरे एम्प्लॉय के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आपके काम करने की शैली में पहले एम्प्लॉयर के जो सीक्रेट्स हैं वो दूसरे एम्प्लॉयर के यहाँ जा सकते हैं। इस वजह से आपने देखा कि विप्रो जैसे एम्प्लॉयर ने 300 लोगों को निकाल भी दिया। इंफोसिस ने भी वार्निंग दी है, हालांकि कुछ एम्प्लॉयर्स इसको थोड़ा लिबरली देख रहे हैं, थोड़ा खुले दिल से देख रहे हैं। ठीक है, अगर एम्प्लॉय कुछ एडिशनल इनकम हासिल करना चाहता है तो वो करता रहे, परंतु इसके लिए डिस्क्लोजर बहुत जरूरी है। बिना डिस्क्लोजर के मुझे नहीं लगता कोई भी एम्प्लॉयर व्हाटसोएवर वो अपने एम्प्लॉय को दूसरी जगह काम करने देगा। आपको बताना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर को कि आप मून लाइटिंग करते हैं, मतलब आप घर जाकर। तो जैसा कि शरद कोहली बता रहे थे कि मून लाइटिंग पर आपत्ति जताने वालों का कहना है कि एक साथ दो नौकरियां करने वाला कोई भी कर्मचारी अपनी नौकरी के साथ न्याय नहीं कर सकता, उसकी एफिशिएंसी पर असर पड़ेगा और वो हमेशा कुछ ना कुछ बहाना करके दूसरी नाव में सवार होता रहेगा। हालांकि मून लाइटिंग करने का एक सबसे बड़ा कारण आजकल जॉब सिक्योरिटी भी है। कई लोग आज दूसरी नौकरियों को कमबैक के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी मेन नौकरी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों की जरूरतों से तालमेल बैठाने के लिए एक्स्ट्रा इनकम बेहद जरूरी है। ये पैसिव इनकम को प्रोत्साहित करता है, इसीलिए लोग मून लाइटिंग को प्रेफर करते हैं। तो आज के ज्ञान ध्यान में इतना ही। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान सुनना चाहते हो तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं radio@aajtak.com पर। अब आपसे विदा लेने का वक्त है। मेरा नाम है खुशबू और आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।